चलिए बोलिए वंस मोर Yeah.
इस शो में हम अपने किरदार के बारे में बताइए और अपने बारे में टीवी में क्या किया है। Thank you. Thank you. Thanks.
किरदार के बारे में और रियल लाइफ में जो आपका नाम है देखिए सर केमिस्ट्री कितनी अच्छी है मतलब हाथ देख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम गीता बिष्ट है और ये जो शो मैं कर रही हूँ मन सुंदर, इसमें मेरे किरदार का नाम है उषा, उषा मित्तल। मैं जो हमारी मेन लीड है रुचिता, उसकी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और उषा जो है वो एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ है, लेकिन मैं उसे सिर्फ हाउस वाइफ की तरह नहीं देखती, शी इज़ अ होम मेकर। घर को बनाने वाली, घर को चलाने वाली, संवारने वाली, सजो के रखने वाली, सबको मिला के रखने वाली एक ऐसी आम भारतीय नारी है जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन कई बार शायद उस तरह से उसको वैल्यू नहीं कर पाते। उषा जो है वो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाएगी, उनकी मतलब एकदम जैसे एक माँ होती है, एक बीवी होती है, एक अच्छी बहन होती है, और एक माँ होने के नाते उसका अपनी बेटी के लिए एक ही चाहत है जीवन में कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में शादी करके सेटल हो जाए, जैसे कि एक मिडिल क्लास मदर अपनी बच्ची के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए चाहती है। तो वही इसका कंसर्न है, बहुत अच्छी है, अपने परिवार में सब का ध्यान रखती है, सबकी बात मानती है, लेकिन अगर बच्ची के ऊपर बात आती है तो फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी बच्ची की खुशी के लिए, उसके अच्छा करने के लिए नहीं देखती कि पति ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, ये झंडा लेके एकदम आगे बढ़ जाती है। तो इतना प्यार है इसका अपनी बेटी के लिए, और थोड़ी कंसर्न ज़्यादा है क्योंकि समाज इस तरह से है। मेट्रोमोनियल साइट पर भी जो ऐड आते हैं उनमें बड़ा क्लियरली लिखा होता है सुंदर, सुशील और गोरी लड़की। वो जो गोरी लड़की का एक बड़ा स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, उसकी वजह से इसकी टेंशन बढ़ती है जीवन में, और बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे। आप लोग देखिएगा और लिखिएगा कि कैसा चल रहा है हमारा शो। दैट्स ऑल। नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ खानकर है और इस सीरियल में शेतर मित्तल का उनका नाम सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स मेरे नहीं हैं, जैसे मैं झंडा लेके आगे नहीं देता हूँ, मैं इनकी बात को थोड़ा डिनाई करता हूँ कि नहीं ये अभी जो नहीं करते हो जाएगा, बट समाऊ एक पॉइंट पे आके इनकी बात मान भी लेता हूँ, हाँ नहीं ऐसा है। और कंसर्न, मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी जो लाइटिंग है उस पर बहुत ध्यान देता हूँ कि हाँ ये ऐसा सोच रही है, इसलिए ऐसा सोच रही है कि सही सोच रही है, तो उस पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है मेरा उसको। और फिर वही बात ये बात है कि देखिए तो हमारा शो मन सुंदर आ रहा है 18 अक्टूबर को रात 8:30 बजे सोमवार से शुक्रवार दंगल। हाँ जी, हम रख लेंगे। तो दोनों दादी बताएं कि ये शो क्यों देखा गया अपने बारे में। मेरा नाम काजल खान चंदानी है और मैं पहले भी कुछ शोज़ कर चुकी हूँ, मलयालम एम्स बालिका एंड राइट नाउ डूइंग दिस मन सुंदर। और हमारा शो ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें एक खास बात है कि ये बिल्कुल एक साधारण फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उससे कनेक्ट करता है, तो मेरे ख्याल से सारे जो लोग हैं वो इसको कनेक्ट कर पाएंगे ईजिली। और इसमें बिल्कुल मैं एक साधारण जनता भी जो हर घर में होती है उसका किरदार निभा रही हूँ, जो अपने पोता पोती की जान से रखती है। और मतलब ठीक है, घटी मिटी नोकझोंक चलती रहती है बहू के साथ, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो वो परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी रहती है। और इस वक्त हम अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर हो जाएगा क्योंकि उसका मन सुंदर है। मेरा नाम ममता मित्रा है, मैं इसमें छोटी बिहार है उसकी दादी पर। इससे पहले आप लोगों ने शायद मुझे शक्ति में देखा होगा, तो बिना ही दादी का कलर्स चलती थे। इसमें मैं बहुत अच्छी दादी बनी हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ और फॉर अ चेंज, बिकॉज आज तक मुझे नेगेटिव ज़्यादा मिलते रहे लेकिन कभी कभी पॉजिटिव भी मिल जाते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, पॉजिटिव सबके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, यहाँ तक कि बहू के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बिहार के साथ मेरी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। और बस कभी कभी वो अपना काम निकालने के लिए पटाता भी रहता है। और हाँ, मेरा जो बेटा है
उसी में डरती नहीं हूँ, बट कभी कभी वैसे तो डर नहीं चलती हूँ, मैं कहती हूँ सब लोग मानते हैं, सब लोग इज्जत करते हैं, मतलब मेरा कहा कभी डालते नहीं है, लेकिन हाँ मेरा बड़ा बेटा कभी कभी अगर कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बट यस रिस्पेक्ट है। और हम लोग बहुत अच्छी रिच फैमिली से हैं, राजस्थान से, उस चीज़ का थोड़ा सा एटीट्यूड है मुझ में, लेकिन मैं वैसे पॉजिटिव हूँ, वेरी एक्साइटेड दिस कैरेक्टर है, सबको पता ही है मेरे ख्याल से सबको शो बहुत पसंद है। हाय, मेरा नाम शिवम है और मैं विवेक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एक पॉइंट पर ना ये कैरेक्टर आई कैन रिलेट विद दिस, क्योंकि ये आज का जनरेशन का जो बच्चा है फोन एडिक्टेड, फुल्ली फोन एडिक्टेड, बाबू सोना वो टाइप वाला है, और सबसे अच्छी बात दादी का लाडला हूँ क्योंकि रियल में भी था और अभी भी हूँ। एंड उसी के साथ साथ जब भी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई ये बंदा ये स्टैंड आउट होगा, ये सपोर्ट करेगा सबके साथ, और ये दीदी को बहुत सपोर्ट करता है, उसे बहुत प्यार करता है। एक मिनट